Hey everyone, welcome to Glam Up. अंकित गुप्ता जो आज फतेह के रोल से पॉपुलर है वो अपने करियर की स्टार्टिंग में बस क्यूट बॉय इमेज बनाकर रह गए थे, पर 10 साल में उन्होंने अपनी वो इमेज पूरी तरह से बदल दी और आज वो लीड एक्टर बतौर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। पर रियलिटी में अपने किरदार से बिल्कुल अलग हैं अंकित। तो कैसे हैं अंकित इन रियलिटी और कितने रोल्स निभा चुके हैं वो अब तक, कैसे वो इस इंडस्ट्री में आए और कौन सा ड्रीम रोल वो निभाना चाहते हैं, अंकित की लाइफ से जुड़ी ऐसी ही कुछ जानी अनजानी बातें मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगी। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपकी दोस्त शुभी और मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे लाइफ स्टोरी वीडियोस लाती रहती हूं। पर आपको वो वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ ही उसके पास में बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा। मेरठ उत्तर प्रदेश में 6 नवंबर 1988 को अंकित गुप्ता का एक हिंदू फैमिली में जन्म हुआ था और अपनी स्कूलिंग से लेकर ग्रेजुएशन तक की पूरी पढ़ाई उन्होंने मेरठ से ही की। अंकित अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना ही पसंद करते हैं और अपनी फैमिली डिटेल्स वो कभी रिवील नहीं करते। जब अंकित 8th स्टैंडर्ड में थे तब उन्होंने एक स्कूल एक्ट में पार्टिसिपेट किया था। जब उन्हें उस एक्ट में मजा आया तो उन्हें एक्टिंग काफी इंटरेस्टिंग लगने लगी और वो धीरे धीरे और भी स्कूल प्लेज में पार्टिसिपेट करने लगे और अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके पहले वो नोएडा गए, उसके बाद मुंबई। ये वो ही टाइम था जब उन्होंने ऑडिशंस देना शुरू कर दिया था और ग्रेजुअली उन्हें टीवी कमर्शियल्स और म्यूजिक वीडियोज में काम मिलने लगा। पर बतौर एक्टर अपनी पहचान बनाने निकले अंकित को लीड एक्टर तक का रास्ता तय करने में काफी लंबा वक्त, ऑलमोस्ट 10 साल लग गए। जब टीवी कमर्शियल और कुछ म्यूजिक वीडियोस में उन्हें काम मिला उसके बाद उन्होंने टेलीविजन में अपना करियर बनाना चूज किया और कुछ ऑडिशंस देने के बाद ईयर 2011 में कलर्स टीवी के शो बालिका वधू में डॉक्टर अभिषेक के रोल से उन्हें करियर ब्रेक मिला। इस शो में उन्होंने एक सीधे साधे लड़के का रोल निभाया था। फिर 2012 में उन्हें एक हिंदू फैमिली नलेंद्र यादव के रोल में एक्ट करने का मौका मिला। ये रोल एक सपोर्टिंग साइड रोल था और अंकित को इस रोल से एज सच कोई बेनिफिट नहीं हुआ। फिर 2012 में ओएजस्सी में भी उन्होंने एक साइड रोल प्ले किया, लेकिन चैनल वी इंडिया का शो साडा हक उन्हें एक्टर बतौर रिकॉग्निशन दिलाने में कामयाब रहा। इस शो में उन्होंने एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट पार्थ कश्यप का रोल निभाया था, जिसमें उनके साथ एक्टर परम सिंह भी काम कर चुके हैं। इस शो के एक्टर्स की ना सिर्फ ऑन स्क्रीन एक्टिंग बल्कि ऑफ स्क्रीन मस्ती भी व्यूअर्स को काफी अट्रैक्ट की थी और शो उस टाइम का काफी फेमस शो रहा था। इसमें रिकॉग्निशन मिलने के बाद अंकित की इमेज एक क्यूट बॉय की ही बन गई थी, पर अंकित को लाइफ के एक्सपीरियंसेस फील करने में ज्यादा खुशी मिलती है और वो अपने काम को एंजॉय करते रहे। फिर कुछ रंग प्यार के ऐसे भी शो में सोनाक्षी के चाइल्डहुड फ्रेंड जतिन का रोल निभाने के बाद 2016 में उन्होंने बेगूसराय शो में गर्व ठाकुर का रोल निभाया और 2020 में कुंडली भाग्य में पवन मल्होत्रा का। पर इतने सारे रोल्स में से अब तक अंकित को लोग केवल उनके 3 टीवी शोज से ज्यादा जानते थे, पहला साडा हक, दूसरा बेगूसराय और तीसरा 2018 में स्टार भारत की टीवी सीरीज मायावी मलिंग से। इस शो में अंकित ने चेगू नाम का रोल प्ले किया था, पर केवल मॉडल एंड साइड एक्टर बतौर अंकित काम करने इस इंडस्ट्री में नहीं आए थे और लकीली उन्हें अपनी एक्टिंग के दम पर 2021 में उडारियां शो ऑफर हुआ, जिसमें फतेह के लीड रोल ने उनकी किस्मत एंड फैन फॉलोइंग पूरी तरह ही बदल कर रख दी। पर जिस तरह फतेह को इंटेंस एंड रोमांटिक दिखाया गया है, रियल लाइफ में अंकित बिल्कुल भी ऐसे नहीं है और इसी वजह से इंटेंस तो फिर भी ठीक है पर रोमांटिक रोल निभाना उनके लिए काफी चैलेंजिंग रोल रहा। अंकित कहते हैं कि वो लाइफ में एक्सप्रेसिव कहे जा सकते हैं पर रोमांटिक बिल्कुल नहीं। ऑल्सो जहाँ फतेह काफी इमोशनल है वहीं अंकित मेंटली स्ट्रांग एंड बैलेंस्ड है, पर उनके रोमांटिक रोल को देखकर 2 रूमर्स सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं कि वो असल जिंदगी में काफी रिच हैं और उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स भी हैं। बट इन रियलिटी ये दोनों ही बात बिल्कुल गलत है और गौर से ऑब्जर्व किया जाए तो अंकित काफी प्राइवेट एंड लॉयल टाइप के पर्सन है। वैसे 2020 में इलीगल जस्टिस वेब सीरीज में नीरज शेखावत के रोल प्ले करने के बाद उनकी एक्टिंग मासेस में पॉपुलर होने लगी और बेबाकी और मैं हीरो बोल रहा हूँ 2 वेब सीरीज में भी कास्ट किया गया था। यानी कहा जा सकता है कि साल 2020 उनके लिए गुड लक लेकर आया है और साथ ही उडारियां शो ने उनकी क्यूट बॉय वाली इमेज बदल कर एक वर्सेटाइल एक्टर में बदल दी। पर पब्लिक फिगर होने के बाद भी इतनी प्राइवेसी क्यों रखते हैं अंकित गुप्ता, सवाल सभी के मन में जरूर आता है, जिसका जवाब ये है कि अंकित इन रियलिटी मेडिटेशन में विश्वास करने वाले, बुक्स पढ़ने वाले, ट्रैकिंग और एडवेंचरस लाइफ जीने वाले इंसान है। उन्हें आज भी जीना ज्यादा खुशी देता है और दुनिया को दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो लाइफ को एक्सपीरियंसेस में देखते हैं। उनका मानना है कि जो भी हो रहा है हर चीज सिखाने के लिए ही है।
फैंस को अंकित की आवाज़ बहुत पसंद है और वो एक मूवी लवर के साथ साथ इतने बड़े शू लवर है कि अपनी फर्स्ट सैलरी से उन्होंने अपनी अब तक की लाइफ की सबसे ज्यादा महंगे जूते खरीदे थे। साथ ही वो लेदर एंड डेनिम जैकेट्स के भी दीवाने हैं और शू एंड जैकेट्स का बहुत अच्छा वाला कलेक्शन है उनके पास। अंकित कहते हैं कि उनकी सैलरी का अच्छा खासा हिस्सा उनके शूज़ एंड जैकेट्स में ही खर्च हो जाता है और उनकी इसी हैबिट से उनके फ्रेंड्स उनसे बहुत दुखी हैं। लास्टली अंकित का ड्रीम रोल है आदि योगी का रोल प्ले करने का। तो ये थी एक बहुत ही छोटी सी फैक्ट बेस्ड इंटरेस्टिंग सी स्टोरी अंकित गुप्ता की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।